हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आरती, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ BLCC एंड फेशियल BLCC नेचुरल साइंस डायमंड फेशियल किट का रिव्यू शेयर करें और मैं इसे स्टेप बाय स्टेप फेशियल करके भी दिखाऊंगी और देखती हूँ कैसा रिजल्ट होता है। मैंने इसे पहली बार परचेज किया है तो देखती हूँ, पहले से मंगवा के रखा था, सोचा इसी से घर में करके देखती हूँ खुद से कैसा होता है। मैं पहली बार कर रही हूँ इसे। और तो इसकी बात करूँ तो इसकी प्राइस है 350, बट ये मैंने purple.com से लिया है तो मुझे बहुत ही कम में मिल गया। बहुत सारे डिस्काउंट में, बट मुझे याद नहीं अभी कितना पड़ा था मुझे। तो इसके ये तो बात करता है फॉर स्किन पॉलिशिंग एंड परफेक्शन, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट होता है, पहले करके देखेंगे उसका। चलिए इसे खोल के देखते हैं कैसा है क्या है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आता है, ट्यूब में आता है। तो ये एक अच्छी बात है कि ट्यूब में है, बाकी के फेशियल किट देखोगे तो वो पाउच में रहते हैं तो उसे बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। दो दो बार तो वो भी चल जाता है, बट उसे संभाल के रखना पड़ता है कि खराब ना हो जाए। बट ये ट्यूब में है तो ये अच्छी बात है कि ट्यूब में है तो आराम से यूज कीजिए और खराब होने का कोई डर नहीं है और अच्छा खासा दिख भी रहा है। तो मुझे लगता है, देखती हूँ कितना क्वांटिटी होता है, तो दो बार तो आराम से हो जाएगा, चाहेंगे तो तीन बार भी हो जाएगा। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, 6 स्टेप में ये काम करता है। और ये कुछ इस तरह से है, क्या है, क्लीन टोनर स्क्रब लोशन मसाज जेल, ये गया वॉश ऑफ मास्क और ये मॉइस्चराइजिंग जेल लास्ट में लगाने का। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते, इसे यूज करके देखते हैं कैसे काम करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, करती हूँ मैं आज पहली बार कर रही हूँ वो भी आप लोग के सामने, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो मुझे तो ज्यादा नहीं पता, बट हाँ कर लेती हूँ घर में कभी कभी। तो सबसे पहले तो फेस मतलब पूरा साफ होना चाहिए, कोई क्रीम वगैरह पाउडर नहीं होना चाहिए, तो मैंने साफ कर लिया है। और अभी मैं बाल थोड़ा सा इधर उधर है ना, तो थोड़ा इसे लगा लेती हूँ ताकि बाल आगे ना आए। ये साक्षी का हेयरबैंड है। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टोनर, तो देखिए ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग है इसकी, बंद है, अभी मैं आज ही खोल ही रही हूँ इसे। बोलते हैं कितने लगा, हाथ भी साफ होना चाहिए। तो ये देखिए, तो मैंने क्वांटिटी ले ली है। तो अच्छे से मसाज कर लेते हैं, तो अच्छे तरह से इससे मसाज कर लेती हूँ, थोड़ा सा और लगेगा इधर भी। अगर अच्छे क्वांटिटी में भी लेके करते तो आपको दो बार आराम से हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ नहीं है इससे कितने देर इससे मसाज करना है, क्या करना है, बट मैं फिर भी 2 मिनट के लिए कर लेती हूँ अच्छे से। इससे क्या होता है कि आपके स्किन में जो भी थोड़ा गंदगी बच जाता है वो इससे साफ हो जाएगा। दो मिनट हो गए, तब मैं इसे जो भी बचा है उसे साफ कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या निकल। आराम से, ज्यादा अथी नहीं करना।
ये देखिए, ये है स्क्रब सेकंड स्टेप, जेल की तरह है, देखिए ट्रांसपेरेंट, एकदम लाइट सा खुशबू है, वाह। ये स्क्रब जो है ना, एकदम बहुत ही इसमें छोटे छोटे मतलब पार्कर हैं, जो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है इससे स्क्रबिंग करके। मतलब एकदम हल्के हाथों से कीजिए और बहुत ही अच्छा मतलब स्क्रब हर जगह लग रहा है, एकदम पतले बहुत ही पतले इसके पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा होता है लैकेट्स, तो इस तरह से इससे हम भी दो तीन मिनट के लिए इसे हल्के हाथों से अच्छे से मसाज कर लेंगे ताकि अच्छे से निकल जाए सब। तो इसे मैंने 2-3 मिनट के लिए मसाज कर लिया, अब मैं इसे फेस वॉश कर लेती हूँ पानी से। तो फ्रेंड, मैंने स्क्रब को वॉश कर लिया, जब मैं स्क्रब कर रही थी तो पूरा चिपचिपा ऑयली ऑयली लग रहा था, बट मैंने जैसे ही वॉश किया बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं, ना ही कोई झाग था। तो स्क्रब करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा। अब 3 स्टेप है ये डायमंड डिटॉक्स लोशन, तो इसे भी मैं अभी देखती हूँ करके। इसमें लिखा है कि इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है 3-4, जब तक ये अब्जॉर्ब ना हो जाए। ये देखिए, मैं ले लेती हूँ, अच्छा खासा अमाउंट ले लिया है मैंने। अब इसे जब तक अब्जॉर्ब ना हो जाए इससे मसाज करते रहिए, और जितना आपके फेस पे लगता है ज़रूर लगाइए। सबकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, हल्की है। इसे अब्जॉर्ब होने में आपको 2-3 मिनट ही लगेंगे, और ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है स्किन से। तो अच्छे से मसाज कीजिए आराम से जेंटल हाथों से। तो फ्रेंड, 3 जो था क्रीम लोशन आपको 3 से 4 मिनट में बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता आपका स्किन, और इसे इस तरह से सर्कुलर मोशन लगाना था। अब है स्टेप नंबर 4, तो ये है मसाज जेल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए, और अच्छा खासा अमाउंट लेके इसे अच्छे से मसाज कीजिए फेस को। तो ये ही है मेन इसका, सब तो इसी तरह से पैक है, देखते ये कैसा है। तो ये भी बिल्कुल वाइट, एकदम डायमंड जैसा, मतलब ट्रांसपेरेंट है, ये जेल है। तो अब इसे से मसाज करती हूँ मैं, और इसे जितना टाइम तक कीजिए, जितना अच्छे से हल्के हाथों से मसाज कीजिए, यही मेन फेशियल हुआ। तो पहले मैं ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ये
सबसे ज्यादा इसे आंखों से दूर रखना चाहिए, मतलब आंख के आसपास आने से जलता है स्किन, आंख जलता है, तो इसे आंखों से दूर जरूर रखिएगा। और अदरवाइज इसे अच्छे से मसाज करना। तो फ्रेंड मेरा 8 से 10 मिनट मसाज हो गया, अब मैं इसे गीले टॉवल से पोंछ लूंगी। और आप जब भी फेशियल करो तो ध्यान रखिए आप उस दिन धूप में जाने से बचिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम 24 घंटे, 8 से 10 घंटे तक धूप से बचिए। तो अगर घर में करते तो अच्छा होगा कि शाम में कीजिए, तो आपको रात भर का टाइम मिल जाता है रिलैक्स करने का। और हाँ, खाना बनाते हैं तो ज़्यादा हीट से भी बचना चाहिए, इस बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब मैंने इसे अच्छे से टॉवल से पोंछ लिया है। तो अब बची है, अभी 2 स्टेप और भी बाकी हैं। तो ये है नंबर 5, वॉश ऑफ मास्क। पहले ही लिखा हुआ है इसको, इस मास्क को लगाना है। और फिर इसे 10 या 15 मिनट के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेना। तो अब मैं इसे लगा लेती हूँ। वाह, सब कुछ डायमंड जैसा ही है, लाइट कलर। तो मैं लगा लेती, इसे लगाने के बाद ये भी नहीं पता, इसे भी आंखों से दूर ही रखना चाहिए। तो इसे थोड़ा सा और लगेगा मुझे, अच्छे से लगा तो अच्छा खासा अमाउंट मिलेगी। और 10 मिनट बाद इसे वॉश कर। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये 10 मिनट हो गए हैं, ये कुछ इस तरह से चिपचिपा लग रहा है। तो अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ और देन उसके बाद मैं ये लोशन लगा लूंगी और मेरा फेसियल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट डे, कैसा ग्लो आता है नहीं आता है, तो देखते हैं। तो फ्रेंड अब मैंने वॉश कर लिया है, बहुत ही अच्छा फ्रेश फील हो रहा है और रिलैक्स भी लग रहा है। तो अभी मैं ये जेल लगा लेती हूँ। इसे ऐसे ही लगने दें, इसे वॉश नहीं करना, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैं तो इसे शाम में करी हूँ, तब मैं इसे छोड़ दूंगी, रात में भी कुछ अप्लाई नहीं करूंगी। तो फ्रेंड रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट एकदम औसम वाला आया था, बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये फेशियल। मैं हमेशा अब यही यूज करने वाली हूँ। और इसमें जो ट्यूब बचता है वो 3 टाइम आराम से आप कर सकते हो, तो आप मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हो। मैं अब यही ट्राई करती हूँ, तो 3 बार तो वो आराम से चल जाएगा फ्रेंड। तो बहुत ही अच्छा है ये फेशियल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।